इस समय जो मेरी शुगर आई है 205। मौसमी का जूस पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं जो शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमने मौसमी का जूस ले लिया है, ठीक है। ये जूस मैंने निकलवा के लाया है जिसका वेट 250 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम मौसमी का रस है, यानी कि जूस है। और मौसमी के फायदे बहुत ज्यादा है क्योंकि यह एक तरह का स्वादिष्ट फल होता है जो हर कोई इसको पसंद करता है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और मददगार होता है। चलिए तो सबसे पहले हम अपनी शुगर चेक कर लेते हैं इसको पीने से पहले कि हमारी शुगर कितनी बढ़ती है या घटती है और मौसमी के फायदे क्या। जो मौसमी का जूस है वो डायबिटीज वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अभी जो टाइमिंग हो रहा है आप देख लीजिए, ये देख लीजिए 6:15, ठीक है 6:15 हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको 6:15। पॉइंट में नहीं बैठा भाई, ये कभी कभी हो जाता है क्योंकि जब मशीन को करते हैं तो कि सुई आगे पीछे हो जाती है जिसकी वजह से आता है ये। दो सौ पांच शुगर आई इसमें, ये समझ लीजिए इस समय जो मेरी शुगर आई है 205 आ रही है, 205 शुगर आई हुई है। फिर इसको जूस पी लेते हैं। अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो देख लीजिए, यानी कि 6:15 हो रहा है और 6:15 को जूस पी लेते हैं। तो जो मौसमी का जूस होता है ये काफी अच्छा फायदेमंद होता है। मौसमी का जो जूस है वो कब्ज में राहत दिलाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि यह मौसमी के जूस में नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो आपका कब्ज भी काफी दूर हो जाएगा। वजन कम करने में मददगार है क्योंकि मौसमी कैलोरी काफी कम मात्रा में कम कर देता है, क्योंकि मौसमी के जूस में एक्सपर्ट के अनुसार की मौसमी का जूस जो पीता है काफी ज्यादा उसकी मतलब वजन कम होता है। आंखों के लिए फायदेमंद है क्योंकि मौसमी के जूस में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। डायबिटीज के मरीजों को तो रिकमेंडेड किया जाता है कि आप मौसमी का जूस पिए क्योंकि मौसमी के जूस में एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि शुगर को काफी कम कर देती है, और अपनी डाइट में मौसमी का जूस जरूर शामिल करें, यह काफी अच्छा लाभदायक होगा। प्रेगनेंसी में फायदेमंद होता है मौसमी का जूस क्योंकि मौसमी के जूस में कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। डिहाइड्रेशन की समस्या में काफी लाभकारी है मौसमी का जूस, शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, यानी कि पानी की कमी को दूर करने में मददगार है। यह आपको फ्रेश और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। स्किन के लिए गुणकारी है क्योंकि मौसमी में विटामिन सी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, यानी कि मौसमी के जूस में दोनों गुण हैं, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों पाया जाता है जो बहुत लाभकारी है स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो मौसमी का जूस आप पीजिए और काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो मैंने शुगर जूस चेक किया है वो 6:15 बजे चेक किया है, ये शाम का समय है, और देखते हैं इससे शुगर कितनी ज्यादा कम होती है या बढ़ती है। जो व्हाटएवर जो भी होगा मैं आपको एक घंटे के बाद इसका रिपोर्ट दे दूंगा क्योंकि जूस है, इसका रिपोर्ट जल्दी ही हमको मिल जाएगा। तो ये 7:15 बजे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। मौसमी का जूस पी के हमको एक घंटा हो चुका है, ये देख लीजिए 16, यानी कि 7:15, 7:16 पे मैंने किया था तो 7:15 हो चुका है। और मौसमी जूस को स्वीट लाइम भी कहते हैं और लेमन भी कहते हैं, यानी कि स्वीट लेमन भी कहते हैं कि ये नाम से बोला जाता है, लेकिन बहुत लोग कम जानते हैं उन नाम को। तो
नॉर्मल भाषा में मौसम्बी का जूस ही बोलते हैं। हमारी जो शुगर पहले आई थी वो 205 थी, अभी 220 आ गई है। यानी कि मौसम्बी का जो थी वो मीठी थी, यानी कि मौसम्बी का भी जूस यदि पीते हैं तो समझ लीजिए शुगर कम नहीं हो रही है। और इसका एक कारण और भी हो सकता है, जो हम बोलते हैं कि 10% का वेरिएशन आता है, उसका भी कारण हो सकता है। क्योंकि अगर मेरी शुगर 205 आई तो 225 भी हो सकती थी, यानी कि 200 का 10% होता है, 20 होता है, तो 220 हो सकती थी, और भाई 185 भी हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है। तो यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं आया है, अगर जूस भी पिए हैं एक घंटे में सिर्फ 15 पॉइंट बढ़ा है शुगर, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो 10-15 पॉइंट शुगर बढ़ता है, कोई इसका दिक्कत नहीं है, यानी कि मौसम्बी का जूस पी सकते हैं कोई इसका, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ज़्यादा इसमें शुगर नहीं होती, क्योंकि मीट शुगर थोड़ा मीठा था। अगर आप खट्टा मौसम्बी लेंगे तो कम लगेगा। तो शुगर हमारी 220 आई है, ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ी है। ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाते रहूँगा, और जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।